देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, एक नहीं 100 FIR करो, तब भी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। जो अगर आपने कहा था कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठा था, उस पर आपको माफी मांगनी होगी। जो आपने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालोगे, वो सवाल हम पूछते रहेंगे, और अगर ये सवाल पूछने में हमारे पे 100 FIR भी होती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। पुलिस ही कानून तोड़ने का काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि अराजकता का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है, और जहां पुलिस पावर मिली नहीं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। किसी के वृद्ध पिता के साथ धक्का मुक्की करनी, मारपिटाई करनी, बगैर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उठाकर ले जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। आप पार्टी के लिए पंजाब एक टॉर्चर हाउस बन गया है, क्योंकि अगर कोई केस है तो दिल्ली में भी तो पुलिस व्यवस्था है, दिल्ली में भी दर्ज किया जा सकता है। ये सारे केस पंजाब में दर्ज क्यों करवाए जा रहे हैं?
उनको कई बार चार बार नोटिस भी दी गई थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। जब तेजिंदर सिंह बग्गा जी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया तब पुलिस को मजबूरन उन्हें अरेस्ट करने के लिए आना पड़ा।